ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को रोकने के लिए या मुसलमानों को बचाया जाना बहुत जरूरी है, वो भी बाहर के कुछ मेवा से कुछ रोहिंग्या जिनकी पहचान करना जरूरी है। अब इन्होंने अपने निजी ट्रस्ट जैसे मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट, मूसा फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखे हैं फजल और रहीम ने। इन ट्रस्टों में वक्त के नाम पर करोड़ों रुपए विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर गल्फ कंट्री से, और राष्ट्र विरोधी गति में संलिप्त है। इस प्रकार इन्होंने FCRA का उल्लंघन किया है। FCRA ट्रस्ट के नाम पर ये जो FCRA का उल्लंघन किया है, FCRA का कागज मेरे पास है जहां उन्होंने वायलेशन किया है, विदेशी धन को लेते रहे और इन्होंने किसी प्रकार का ट्रस्ट बनाया ना, वक्फ में अपने ट्रस्ट को दर्ज करवाया, ना ही इनका पंजीयन लोक न्यास अधिनियम के तहत होना चाहिए वो किया, क्योंकि पंजीयन के पश्चात ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचार नहीं किया जा सकता। अगर इसका पंजीयन करा लेते देवस्थान विभाग में या वक्फ में तो ये अवैध बेचार नहीं कर सकते थे, ना अवैध कॉलोनी इस दर से बचा सकते थे जब मैंने एक दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी आपको एनुमरेट किए। फजल उर रहीम ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की MI राउड शाखा के अधिकारियों से मिली भगत कर बिना ट्रस्ट के पंजीयन के FCRA खाता संचालित कर रखा है। ये MI रोड का बैंक है, इसका कोई ना तो आय का स्रोत का पता है ना कोई व्यवसाय का पता है, परंतु इनके द्वारा अपने व अपने परिवार के नाम से करोड़ों की रुपये की संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो जांच का विषय है। ये बहुत जरूरी है, और ऐसा व्यक्ति जो वक्फ सहित मंदिर ट्रस्ट एवं आदिवासी को जमीन को बेचकर राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो, वो एक संगठित ग्रोह बनाकर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, जिससे उनकी करोड़ों की दौलत को बचा सकें। और ऐसा अनेक मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा भी कर रखा है, बेचान भी कर रहे हैं, और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेचकर लोगों को से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। वर्ष 2012 में फजल उर रहीम द्वारा जामिया हिदायत ट्रस्ट की बैलेंस शीट में ट्रस्ट की स्थायी परिसंपत्ति मात्र 2.13 करोड़ जताई है, जबकि ये जो जमीन में 900 बीघा अमेर की बता रहा हूं, जिस पर कॉलोनी बसा दी एक दर्जन से ज्यादा, 1,800 करोड़ की तो वही जमीन है, और 300-400 करोड़ की जमीन मुंबई में आदिवासी की जमीन को बेच रहे हैं। ऐसे ही अहमदाबाद में 300-400 करोड़ की जमीन को बेच रहे हैं। 400-500 करोड़ का ये व्यक्ति देश भर में मुसलमान को बहका रहा है, और ये मुस्लिम बोर्ड का मैं
सारी जानकारी को बताना, तो मैं आपके चैनल के जरिए आमजन को ये जानकारी देने के उद्देश्य से कि राजकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने, वक्फ ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान करने, मंदिर माफी की जमीन पर विशेष के लोगों को फंसाकर हिंदुओं के विरोध अभियान चलाने, सांप्रदायिक हाथ बिगाड़ने, वे माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के इसके होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके FCRA का वायलेशन करके अजहरुल रहीम एवं जियाउर रहीम के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्रवाई की मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। आज तो मुख्यमंत्री जी हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री जी जब भी आएंगे उनकी जानकारी मैं डालूंगा। ये मामला ED में देने लायक है क्योंकि PMLA बनता है, CBI में है, NIA में, क्योंकि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी ये वहाँ से चला रहे हैं, और जब तक इसको SOG में दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी से निवेदन